स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल घुमक्कड़ प्रकाश में। और हम घूमते हुए आज घर जा रहे हैं ट्रेन में, और एक हिंदी साहित्य के बहुत अच्छे जानकार श्रीवास्तव अंकल जी मिले हैं हमसे। तो श्रीवास्तव अंकल जी अपना नाम बताइएगा आप। अंकल जी अपना नाम बताइए आप। हेलो गाइस, एक्चुअली श्रीवास्तव अंकल का पूरा नाम है डॉक्टर ए के वर्मा। हम होम्योपैथिक से संबंधित हैं। होम्योपैथिक प्राकृतिक दृश्य प्राकृतिक चीजों का अवलोकन हमारी सभ्यताओं से जुड़े हुए किसी भी स्तंभ या किसी भी यादगार स्तूप को हम ध्यान से देखते हैं, और कोई भी होम्योपैथी के द्वारा क्योर की जाने वाली बीमारियों के बारे में भी हम कुछ ज्ञान वर्धन करते हैं तथा लोगों को परामर्श देते हैं। मैं समझता हूँ अभी मेरी वीडियो बन रही है, यह उपयुक्त अवसर नहीं था, लेकिन मैं लोगों को इससे अवगत कराने की इच्छा रखता हूँ। कोई भी अवसर हमारे सामने घुमक्कड़ प्रकाश जी उपस्थित है, जो कि इस विधा के अध्यक्ष हैं। इन्होंने मुझे आग्रह किया कि कुछ बोला जाए, तो मैंने सोचा कि लोगों को अपनी विधा से अवगत कराया जाए। तो एक कॉमन डिजीज के बारे में मैं बताऊं। जी अंकल जी बोल सकते हैं, बोलिए। दिस डिजीज इज एक्नी एंड पिंपल। अधिकांश युवा वर्ग के लोग इससे पीड़ित है। उनके मुख में तरह तरह के निशान आते हैं, तरह तरह के अंकुर निकलते हैं, कुछ नुकीलेदार कुछ चिकने, और उनके इपिडर्मिस के द्वारा नीचे से जो फ्रूट निकलते हैं वो फ्रूट के चलते यंग एज के बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, चाहे वे किशोरावस्था के बच्चे हों अथवा कोई युवा लड़कियां हों। उनको अपने स्किन को बराबर साफ करना चाहिए। वे पूछते हैं अक्सर कि क्यों होता है अंकल। दिस इज ड्यू टू मैक्सिमम पॉल्यूशन एंड डर्ट। और जो अपना गालों को चेहरे को फेस को हमेशा साफ रखते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं। इसका इलाज आप बताइए, क्या क्या इलाज है? में पोल्यूटेंट है वे जमा हो जाते हैं और वे उससे पीड़ित हो जाते हैं। और इनका इलाज तो सभी विधाओं में है। अंग्रेजी औषधियाँ भी बहुत सी हैं, एक्सटर्नल अपॉइंटमेंट्स भी होता है, आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, परंतु आई प्रीफर होम्योपैथिक रेमेडी। मैं तीन दवाइयों का जिक्र करूँगा। एक है एंटीक्रूड होम्योपैथिक का लिक्विड है, पोटेंसी दवाई है। ये आप 200 का सुबह खाएं, 4 बूंद 1/4 कप पानी के साथ। और दूसरी दवाइयाँ को मैं प्रीफर करूँगा, दिस इज कॉल्ड बोरेक्स। बोरेक्स 200 का, इसकी आप 4 बूंद खाएं आफ्टरनून में या शाम। और तीसरी दवाइयाँ मैं बताऊँगा केलीब्रॉम 200 का 4 बूंद आप रात में खाएं। और ये तीनों दवाइयाँ का आप सेवन करें करीब 15 से 20 दिन तक। और क्योंकि ये स्किन से संबंधित है, आप विटामिन सी की सी से युक्त फल के रस को आप व्यवहार कर सकते हैं। और लगाने के लिए मैं एक औषधि बोलूँगा, जब ये पिंपल्स या एक्ने घट जाएंगे तब आप एक दवाई बता रहा हूँ जो SBL कंपनी बनाती है, लिक्विड जेल, जिसका नाम है बर्बेरिस एक्यूपोलियम। इसका क्यूब को आप लोग रात में फिर धोने के बाद, कोई भी केमिकल फेस पाउडर की बात मैं नहीं करूँगा, सामान्य जैसे आती है पतंजलि की फेस पाउडर दिव्य कांति के नाम से, उसको आप गाय के दूध में अथवा गुलाब जल में मिलाकर फेस को साफ करने के बाद, ये जो प्रिस्क्राइब्ड ऑइंटमेंट है एसबीएल की बर्बेरी से चुपकोलियों, इसको लगाया जाए डेली रात में। आई थिंक ये बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और ये हमारे युवाओं के लिए बहुत ही उपयोगी आपने जानकारी दी है। आजकल युवाओं में बहुत सारे एक्ने की समस्याएं हो रही हैं, और ये आपकी जो जानकारी आपने दी है हमारे चैनल के माध्यम द्वारा बहुत सारे युवाओं तक पहुंचेगी और उनको काफी लाभ मिलेगा। इसी के साथ में इस वीडियो को जी बोलिए। अगर इन दवाओं का सेवन युवा वर्ग के लोग जो कि अपने फेस के बारे में काफी सतर्क रहते हैं, उनको अगर ये औषधियाँ बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होगी और अगर वे इसका सेवन करेंगे, इन औषधियों का लाभ उठाएंगे, तो मुझे हार्दिक प्रसन्नता होगी। ओके, थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ डॉक्टर वर्मा जी के साथ हमारी बातचीत खत्म होती है। जय हिंद, जय भारत।